वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द आर्डिनो आईडीई लेटेस्ट वन फ्रॉम द ओरिजिनल वेबसाइट। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप किसी भी अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाएं और वहां पे आपको आर्डिनो को सर्च करना है, आर्डिनो आईडीई लिख के, और उसके बाद आप फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड है, लेटेस्ट वर्जन 2.3.2 है, और यहाँ पे विंडो के लिए है, विंडो 10 और न्यूअर के लिए 64 बिट के लिए, नहीं तो विंडो जिप फाइल, और उसके बाद लिनक्स और मैकबुक के लिए भी यहीं पे अवेलेबल है। तो मैं विंडो क्लिक करने लगा, इस वजह से मैं विंडो के लिए क्लिक करूँगा विंडो 10 के ऊपर, तो रिडायरेक्ट हो जाऊँगा न्यू पेज के ऊपर। यहाँ पे डोनेशन के लिए वो कह रहा है, आपको डोनेशन नहीं करना, आप जस्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको ईमेल अपनी पुट करनी है तो आप न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ये 143 MB के चंद मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोडिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको बताता हूँ कि आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना। सिंपली आपको जहाँ पे डाउनलोड हुआ है सॉफ्टवेयर को आप रन कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने ये न्यूज़ विंडो ओपन होगी। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसे ओनली फॉर मी करना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। लेकिन सबसे पहले मैं इसे अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी से मेरे पास जो आर्डिनो है वो इंस्टॉल्ड है, तो मैं पहले उसे अनइंस्टॉल करूँगा और उसके बाद मैं आपको करके दे सकता हूँ। तो अनइंस्टॉल करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको आपके प्रोग्राम के अंदर चले जाना, कंट्रोल पैनल के अंदर, और कंट्रोल पैनल के अंदर से आपको अनइंस्टॉल प्रोग्राम के अंदर आ जाना, और यहाँ पे आपको आर्डिनो आईडी 2.2.1 मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा। अब नेक्स्ट करूँगा और ये अनइंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये अनइंस्टॉल हो चुका है, इसे मैं फिनिश कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, और इसके बाद जो है मैं ये करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको लोकेशन बतानी है कि किस लोकेशन के ऊपर आपका ये इंस्टॉल होगा। इसके बाद इसे नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसके ऊपर मैं अनटिक करूंगा और उसके बाद मैं इसे फिनिश कर दूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो 2.3.2 आर्डिनो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे, उसका जो वर्जन है ये जो थी पहले को, ये कोड अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप न्यू स्केच को ऊपर करेंगे तो इस तरीके से आपको फर्स्ट टाइम ये दिखेगा। अगर मैं आपको इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूँ तो यहाँ पे आपको वीडियो सेटअप का एक फंक्शन होता है और एक लूप फंक्शन होता है। लूप फंक्शन के अंदर आप वो चीज़ों को पुट कर सकते हैं जो कि एक लूप में चलेंगी, और सेटअप के अंदर वो चीज़ें होंगी जो कि सिर्फ एक दफ़ा क्लेम होंगी, जैसे कि पिंग्स हो सकती हैं आपकी, यहाँ आपकी कोई इनिशियलाइजेशन हो सकती है किसी भी सेंसर की। उसके बाद जो भी प्रोसेस है किसी चीज़ को रीड करना राइट करना वो लूप के अंदर होता है, यहाँ पर फंक्शन खाली होती है। आप स्मार्टबुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से इन्फॉर्मेटिंग वीडियोस को देखने के लिए, और इस तरीके से मजीद इसके ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियोस भी आएंगी आर्डिनो आईडी के ऊपर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, तो उसे भी फॉलो करने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोटियस की प्लेलिस्ट, और इसके अलावा अगर इसके ऊपर प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी होगी तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसकी ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको डाउनलोड करना तो वहां से भी जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, उस वक्त तक सीखते रहिए और सिखाते रहिए।